जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले के सहजनवा स्थित न्यू आदित्य अल्ट्रासाउंड सेंटर और महानगर के बेतिहाता स्थित प्रज्ञा हॉस्पिटल, स्पर्श डायग्नोस्टिक सेंटर और छापड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर पर की गई कार्रवाई के बाद IMA द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर डायग्नोस्टिक सेंटरों को खुलाने की खबर मिलने के पश्चात पीड़ित द्वारा सोमवार को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर पर दोबारा जाँच नहीं किए जाने और संबंधित के खिलाफ पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को सही ठहराते हुए अस्पतालों को खोलने की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की। दोबारा जांच होने पर IMA जांच को प्रभावित कर सकता है। पीड़िता ने कहा कि IMA अगर डॉक्टर के पक्ष में पैरवी कर रहा है तो मेरे बच्चे का इलाज कराए और इसकी पूरी खर्चा भी वहन करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित बच्चे की माँ अनुराधा पांडे ने कहा, नगर आयुक्त साहब बुलाए थे एक दिन, कल परसों लाया था, वो बोले कि आपकी जांच हमारे पास आई है और ये सही तरीके से जो और है, बच्चा हमारे सामने कुछ और है और कि हम लोगों से कह रहे हैं कि वो हजारों डॉक्टर हैं, उनकी उनके पास संगठन है, आप लोगों के साथ है। अनुराधा पांडे सर, ये हमारा बच्चा है जो 4.5 महीने का है, जो पूरी तरीके से अब नॉर्मल है। हम लोगों ने जांच करवाई थी CMO से, चारों डॉक्टरों के खिलाफ, चार डॉक्टरों से दिखाया था, वो चारों डॉक्टर आरोपित हैं और उन लोगों का साथ IMA दे रहे हैं और उन लोगों ने CM साहब से मुलाकात की और CM साहब ने ये कहा है कि दोबारा जांच होगी और अगर दोबारा जांच भी हुई तो इसमें IMA अपना इंटरफेयर करेंगे और हमें डर है कि रिपोर्ट भी बदली जा सकती है, जो मेरे बच्चे को न्याय कभी नहीं मिल पाएगा जिसकी वजह से। इसके लिए IMA से आपकी बात भी नहीं, IMA दावा कर रहा है कि अगर आप उसे संपर्क करेंगे तो आपकी मदद के लिए खड़े हैं, ऐसे में क्या फायदा करेंगे? अगर वो हमारे लिए खड़े हैं तो हम बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए खड़े हैं। एक बार हमारे बच्चे को देखे, एक बार हमारे बच्चे से तो मिले, क्या हाल है? वो बिना समझे, बिना कुछ जाने ही उन चारों डॉक्टरों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? IMA का ये दावा है कि अगर उनसे मिलते हैं, अपनी बात को कहते हैं तो आपके बारे में सोचेंगे, आपकी क्या मदद हो पाएगी? जब वो बिना सोचे ही अपना फैसला सुना दिया है तो क्या भरोसा कर सकते हैं कि हम उनसे अगर मिले तो वो हमारी सुनेंगे और हमारे सपोर्ट में रहेंगे? क्या दावा है, क्या भरोसा है इसका? क्या मांगे, क्या है, क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे का इलाज और इसकी पूरी लाइफ का हर्जाना वो लोग दें। ये किससे मांग रहे हैं, डॉक्टरों से आप चाहते हैं? बिल्कुल, डॉक्टरों से इसे चाहते हैं ताकि दोबारा ऐसा कोई भी केस सामने ना आ पाए। इसके लिए आप किसी उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की? बिल्कुल। किससे किससे मिले थे आपको, क्या DM सर से मिले थे, SHO सर से मिले थे और वो कौन है, वो उनसे सिटी मजिस्ट्रेट से मिले थे हम लोग सबने, मतलब वो लोग तो उन्होंने कहा सर कि जब तक मामला निस्तारित नहीं हुआ तब तक ये सील नहीं, जब तक हमारा मामला पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये सील नहीं खुलेंगे। तो आप समझौता करने के लिए तैयार हैं डॉक्टरों से या आप मुकदमा लेंगे? सर हमारी औकात दिन रात बोलो ना यार। सर हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, इतने हमारे पास इतने नहीं है कि हम इन डॉक्टरों से मुकाबला, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो भी है वो सब हर जाना वो लोग दें और उनका पूरा ये इलाज करवाएं।